मैंस फैशन जो है ना उसका जो हब है वो इटली है इटली से मैंस फैशन निकलता है ख़वात का फ़ैशन जो है वो फ्रांस से निकलता है तो वो फिर क्रिकेट डाउन होता होता सब कॉन्टीनेंट में आता है और उसको एक साल लग जाता है सीरीज़ आ रही है फातमा जिना के नाम से बहुत अच्छी उसकी टीम है बड़े अच्छे एक्टर्स हैं उसके अंदर तो उनके डायरेक्टर के साथ मेरी बातचीत हुई तो He wanted me to design uh, the wardrobe for कायद -e Azam. Mm -hmm. वो जो था वो मेरे लिए ना बड़ा एक ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट था क्योंकि आई ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट कायद Azam. करंटली जो ट्रेंड चल रहा है ना वो ओल्ड फैशन वापस आ चुका हुआ है तो जब ओल्ड फैशन होगा तो उसके अंदर आपको आ, पेस के साथ रहने की ज़रूरत ही नहीं है जो ओल्ड फैशन है तो वो हम तो ऑलरेडी वो पहन रहे हैं तो क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक मेन फैक्टर आ गया है तो जो कपड़े हैं ना वो एक किस्म के होंगे फिट्स भी जो है ना वो अब रेगुलर फिट्स आ गई हैं लोग बहुत ज़्यादा उसकी नींह से बाहर निकल आए हैं रेगुलर फिट ईजी क्लोदिंग आ गई है असल एवरी वन आई वेलकम दैक्सट एपिसोड ऑफ टेंट दिज़ाइन सीरीड सीरीज जहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिज़ाइन किस तरीके से यूज़ हो रहा है और हम अपने मुख्त गेस्ट को जो कोई फैशन मार्केटिंग से है कोई ब्रांडिंग से है कोई टेक्नोलॉजी से है वीट ब्रिंगिंग द मेन एंड वीट ट्राइंगस्टैंड की उनकी प्रैक्टिस किस किस्म की है और जिस इंडस्ट्री सेगमेंट से वो रिलेटेड है वहाँ पर क्या काम चल रहा है एंड आई एम सो हैप्पी टू डे दैट वी हैव आवर फर्स्ट गेस्ट फ्राम फैशन इंडस्ट्री एंड टू बी प्रसाइज इट्सो यू नो रिलेटेड फैशन आई वु वुड लव अव विद अस्सलाम वालेकुम फ़ाइक वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है ओके मैं ठीक ठाक फ़ाइक आप कैसे हैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइक uh, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे अपनी हिस्ट्री uh, के बारे में या अपने बैकग्राउंड के बारे में अच्छा मैं बेसिकली uh, मैंने फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग में डिग्री की थी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन में टू थाउजेंड एंड ट्व में मैं ग्रेजुएट हुआ था उसके बाद फिर मैं फ़ैशन इंडस्ट्री में आ गया तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर डिफरेंट फैशन रिटेल ब्रांड्स उसके अंदर अगर हाईलाइट में करूँ तो आउटफिटर्स में मैंने काम किया हुआ है सी फैन लेजर क्लब में काम किया हुआ है चैन वन के अंदर और करेंटली आई एम वर्किंग फॉर यूनिवर्थ शर्ट एंड टाई टाइश हाँ जी इनके कोई भी आपने मैज का ब्रांड छोड़ा नहीं है <laughs> कह सकते हैं एक दो रह गए एक दो रह गए अच्छा फाइक्यूवर टेलिंग बिफोर के आपने योर फर्स्ट योर फर्स्ट जॉब वॉज एज अ फैशन बायर राइट हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तो बेसिकली मेरी जो डिग्री थी बी आई एफ डी में इट वॉज फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग सही तो इट वॉज नॉट फैशन डिजाइन ठीक है तो जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो एक फैशन बाइंग हाउस था साइप्रस में तो वो उनके साथ थी मेरी तो कोऑर्डिनेशन मेरी यहाँ से चलती थी तो उनका जो पाकिस्तान ऑफिस था उसके अंदर आई वॉज वर्किंग एज मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग मैनेजर अच्छा कुछ लोग ये शायद समझते हैं कि ना शायद फैशन बाइंग जो है इट्स वेरी यू नो सॉर्ट ऑफ फैंसी जॉब के जहाँ पे आपने जाना है दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करना है एंड एंड देन यू 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 नो गो देयर सी डिफरेंट स्टोर्स बाय और आप आराम से आ जाते हैं दैट्स द यू नो फैंसी एस्पेक्ट ऑफ इट बट व्हाट्स बिहाइंड द सीन्स जब आपने एक पूरी कलेक्शन बाय करनी है और आपने चार मुल्कों से चीजें लेनी है और पंद्रह डिफरेंट वेंडर्स हैं So, वो क्या प्रोसेस है ये एक बड़ा लेंथी और टेक्निकल प्रोसेस है इसके अंदर डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ों के अंदर कि आपकी कलेक्शन आपने किस तरह से अपनी कलेक्शन का प्रोडक्ट मिक्स बनाना है बेसिकली तो कौन से कलर्स आपने फ़ैशन बाइंग करने हैं फिर उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप यूरोप जाते हैं या फॉर दैट मैटर यूएस जाते हैं तो वहाँ की जो फैशन मार्केट है ना वो टोटली डिफरेंट होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान से क्योंकि हम थोड़ा सा फ़ैशन को लेट अडॉप्ट करते हैं जो फैशन फॉर एग्जांपल जिस तरह अब मैंस uh, फ़ैशन जो है ना उसका जो हब है वो इटली है इटली से मेंस फ़ैशन निकलता है ख़वात का फ़ैशन जो है वो फ्रांस से निकलता है ठीक है तो वो फिर क्रिकल डाउन होता होता सब कॉन्टीनेंट में आता है और उसको एक साल लग जाता है ठीक yeah. है तो हम क्योंकि फॉलो कर रहे होते हैं लेटेस्ट uh, ट्रेंड्स कर रहे होते हैं बट हमारी जनरली पीपल एट लार्ज ओवर इन पाकिस्तान दे आर नॉट फॉलोइंग फ़ैशन उस तरह से जिस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं तो हमें लेटेस्ट चीज़ों का पता होता है तो वो अब हमने उसका ना एक बैलेंस करना होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपना एक सिंपल सा फार्मूला रखा हुआ है कि एट्टी परसेंट ऑफ़ माय कलेक्शन इज़ जो आपकी एक रेगुलर चीज़ें जो चल रही होती हैं ट्रेंड में ट्वेंटी परसेंट जो होती है ना वो मैं हाई फैशन चीज़ें लेके आता हूँ बाहर से तो उसके अंदर इस तरह से होता है कि वो पिक Uh, क्योंकि हमने सेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है कि हम बहुत ज़्यादा हाई फैशन चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें तो हमारे यहाँ पे ब्रांड्स उसको एक्सेप्ट ना करें पब्लिक एक्सेप्ट ना करें तो क्योंकि सीजन टू सीज़न ये, ये चीज़ें चल रही होती हैं तो हमें फिर वो उसको ना बैलेंस आउट करना पड़ता है इस तरह से और मुझे ये बताएं फाइक कि ये जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि डिफरेंट जगह पर आप जाते हैं उसका तो सारा प्रोसेस है बट हाउ डू यू कॉर्डिनेट यू नो इतनी सारी डिफरेंट सप्लाई चेंस हैं ट्रेंड्स एंड अस्थैटिक्स एंड टाइम लाइन एंडरेंट सेगमेंट्स आपके कस्टमर्स के आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स हाउ टू मैनेज हाँ जी क्योंकि फैशन रिटेल के अंदर ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है टाइमिंग तो अगर आप अपनी टाइम से लेट हो गए तो आप उधर ही आपकी पहली जो विकेट है ना आपकी उधर ही गिर गई फॉर एग्जाम्पल अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो सारे ब्रांड्स की कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रिटेल मार्केट में बढ़ गया तो अगर मैंने अक्टूबर में सारे विंटर्स लॉन्च कर देते हैं जनरली तो फिफ्टीन सेप्टेम्बर से आगे हो गए क्योंकि सप्टेम्बर अक्टूबर में इतनी सर्दी नहीं आई होती बट सीज़न लॉन्च हो चुका होता है ठीक है अगर मेरी मेन प्रोडक्ट्स स्टोर के ऊपर जल्दी आ गई हैं तो मेरे पास ना फर्स्ट बायर जो है ना वो एडवांटेज आ जाएगा ठीक है फॉर एग्जांपल जो मेरा कंपेटिटर है उसके स्टोर पर अभी तक गर्मियों की चीज़ें पड़ी नहीं हैं और मेरे पास सर्दियों का पूरी एक कलेक्शन आ चुकी हुई है तो लोग आगे मेरे से ख़रीद जाएंगे ठीक है ठीक है और अगर ऑन दी अदर हैंड अगर मेरी चीजें बहुत अच्छी हैं प्राइस पॉइंट बहुत अच्छे हैं बट मैं दिसंबर में लेके आ रहा हूँ तो लोगों ने तो सारी शॉपिंग कर ली और सेल्स भी आजकल इतनी ज्यादा लग रही है सारे ब्रांड्स में तो आपको सेल्स से पहले पहले एक हेल्दी चांद ऑफ जो है ना अपना स्टॉक वो भेज देना होता है स्टोर्स में ताकि आपकी सेल्स अच्छी हो तो टाइमिंग जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप लेट हो गए सीजन में तो आप समझे वो योग हाँ जी तो उससे फिर पीछे हमें प्लानिंग करनी पड़ती है सारी अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अभी समर्स चल रही हैं तो मैं अगली समर्स पे वर्किंग कर रहा हूँ एक साल पहले की प्लानिंग होती है ठीक है तो अब जब विंटर्स आएंगे तो मैं अगली विंटर पे वर्किंग कर रहा हूँ तो यानी कि आजकल जिस तरह अब एंड समर चल रहा है तो मेरी समर की कलेक्शन आ गई है तो मैं अपनी ऑटम की कलेक्शन के ऊपर अगले साल की वर्किंग कर रहा हूँ

यू मेड दिस डिसीजन ऑफ़ परसुइंग फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग अच्छा इसके पीछे भी एक स्टोरी है मैं आपको बता देता हूँ तो बेसिकली मैंने ए लेवल किया था तो उसके अंदर था मेरा सब्जेक्ट था मेजर लॉ तो उसके बाद मैंने आ, पेरेंट्स की कोशिश थी कि लॉ लॉ लौ करूँ लॉयर बनूँ तो मैंने एल एल बी परसू कर लिया तो सेकेंड ईयर में जब मैं था तो यानी कि एक वो जो होता है ना एक स्पार्क जो था वो मिसिंग था यानी कि मुझे लग रहा था कि मेरा एप्टीट्यूड जो है ना वो इस तरफ नहीं है तो मैं हमेशा चाहता था कि समथिंग रिलेटेड टू आर्ट मैं करना चाहता था बट कोई ओपनिंग उस टाइम पे मुझे उस तरह से नजर नहीं आ रही थी उन दिनों में सेकंड ईयर में था तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड है जिनकी मैं बात कर रहा था शुरू में भी तो जिनका बाइंग हाउस है साइप्रस में तो वो वहाँ से ना वो आए घर पर उन्होंने डिस्कशन की तो मैंने उनको बताया अंकल मैं तो बिल्कुल ना मज़ा नहीं आ रहा तो कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा यार तुम मर्चेंडाइजिंग करो उन्होंने सुना था कहीं से कि ये पी आई एफ टी में कोर्स निकला है फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग तो मैंने फिर फादर को कन्विंस किया मैंने कहा ये करने में ये बड़ा अच्छा है तो खैर उनका भी बीच में काफ़ी पार्ट था कि यार पुश किया उन्होंने फादर को कि ये करे तो वहाँ से फिर तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मैंने पी आई एफ टी में एडमिशन लिया और फिर उसके अंदर फिर मैं एक फैशन डिजाइनर बन गया और वो अब कोई डिस्कशन हुई थी कि जो बाकत यहाँ पर लड़कों को समझनी पड़ती थी कि तुम लड़के हो के फैशन में क्यों जा रहे हो तुमने क्या कहा हाँ करने? जी बिल्कुल इसी वजह से तो मुश्किल था कन्विंस करना कि मैंने लॉ नहीं करना तो बस यही था कि यार ये क्या चीज़ें करने वाली बनना है जो तो डॉक्टर बने कोई बंदा इंजीनियर बने लॉयर बने ये फैशन क्या है तब समझ नहीं आता था, था बट ये मैं बात करूँ पंद्रह साल पहले की अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं लेकिन अब भी लाइक like, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह से उस तरह से नहीं है इतना वो उसको समझते नहीं है बट ठीक है लाइक like, uh, मुझे पता है जो मेरी इंडस्ट्री है उसके अंदर जो लोग हैं वो किस तरह से हैं और किस तरह से चल रहा है एक वो जो एक टैबू था ना पिछले uh, आठ दस साल पहले वो अब काफ़ी हद तक टूट चुका है क्योंकि इंडस्ट्री में भी अब जिसने अगर आप, आप, आप टैलेंट देखें जो मॉडल्स वगैरह होते हैं तो पहले स्पेसिफ़िक मॉडल्स होते थे दस पंद्रह साल पहले वो स्पेसिफिक एजेंसी से निकल के आए होते थे और वही बस मॉडलिंग कर रहे होते थे बट अब का ये है कि अब जितने मॉडल्स पिछले एक दो साल में जिनके साथ हम काम कर रहे हैं फैशन शोज कर रहे हैं वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं ठीक है भाई अभी पिछले साल में एक मॉडल साथ कर रहा था मेरा ही जूनियर था मेरे स्कूल में बीकन हाउस में, में मेरा था तो इज़ अ फिटनेस ट्रेनर ऑल्सो तो कुछ इंजीनियर्स हैं कुछ कर रहे हैं वो यानी कि पार्ट टाइम मॉडलिंग भी कर रहे हैं अपना काम भी कर रहे हैं तो इवॉल्व हो चुकी है तो अब जिस तरह इन्फ्लुंसर्स हैं काफ़ी इस तरह इन्फ्लुंसर्स हैं नॉर्मल एक यानी कि बैंक में जॉब कर रहे हैं साथ छोटा बोटा अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुंसर बने हुए हैं तो वो उनको भी हम रख लेते हैं तो अब ना काफ़ी डायनामिक्स चेंज हो गए हैं आपने कहा कि चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं डू यू थिंक के पीपल रियलाइज़ के फैशन इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर यू नो इट हैज़ ग्रोन सो बिग डोमेस्टिकली पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जो हमारी कंसम्पन है जो हमारी स्पीड है जो हमारे यू नो जो मेट्रिक हैं इवन यू नो जो हमारी आउटपुट्स भी हैं आई थिंक इट्स इट्स अमेजिंग इट्स इट्स जिस तरीके से फैशन इंडस्ट्री ने हाँ जी बिल्कुल 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 uh, अगर आप देखें आज से पंद्रह बीस साल पहले अगर आप चले जाएँ तो कोई फैशन ब्रांड नहीं था बट आहिस्ता uh, आहिस्ता इंडस्ट्री में वो क्रॉस रोड आया ठीक है उसके बाद फिर स्टोनेज आया फिर आउटफिटर्स इस तरह ऐसा करते करते फिर अभी आठ दस बारह साल पहले के लॉन के ब्रांड्स का एकदम से इन्फ्लक्स हुआ काफ़ी ज़्यादा आ गए ठीक है फिर देर मेकिंग मनी पैसा बनाना शुरू किया तो अब एक ये प्रॉपर इंडस्ट्री बन चुकी हुई है तो ये इस तरह से नहीं है कि आप फैशन में चले गए हैं तो यानी कि वहाँ पे शुगर में नहीं चल रहे हैं पार्टी चल रही है अब इट्स डिफरेंट बॉल गेम नाउ तो अब ब्रांड और बड़ा ज्यादा कट सूट कॉम्पिटिशन भी है बल्कि अब जो आपके कम्पेटिटर्स हैं आप बस एक जिस तरह एक एफ वन की फार्मूला वन की रेस होती है ना उस तरह एक दूसरे के पीछे पीछे होते हैं बस जगह चाहिए होती है आगे निकलने की

Uh, क्या स्केल होगा और क्या हाँ जी अब तो बहुत मैसेव है यानी कि वही जिस तरह मैंने आपको बताया ना जिस तरह यूनिवर्थ में यूनिवर्थ माशा ये भी काफ़ी पुराना ब्रांड है फिफ्टी इयर्स अभी हमने सेलिब्रेट किए हैं लास्ट ईयर नाइनटीन का ब्रांड है ये अच्छा हाँ जी तो दे स्टार्टेड ऑफ फ्राम अनारकली तो ग्रेजुअली शर्ट एंड टाई शॉप आई शर्ट्स बनाना शुरू की फिर अपना अब जो हम इस स्टैंडिंग पे हैं कि मैं वेयर की हर चीज़ जो है वो हम बनाते हैं ठीक है आप बॉक्सर शॉर्ट से लेके शेरवानियों तक ठीक है और बेल्ट से लेके वॉलेट से लेके पर लाइक एवरीथिंग इन मेंस वेयर यू कैन गेट अंडर वन स्टॉप शॉप सो इसी तरह हमारे भी कम्पटिटर्स हैं ठीक है फिर इसके अंदर भी अब अगर, अगर आप स्पेसिफिकली मेंस वेयर की अगर बात करें हाँ, तो इसके अंदर भी काफी सेगमेंट है जैसा अब यूनिवर्स है ये एक मेच्योर कस्टमर को कैटर करता है ठीक है इसके फर्क कॉम्पेटिटर हैं फॉर एग्जाम्पल चारकोल हो गया डाइनर हो गया ठीक है फिर अब आप, आप, आप आउटफिटर्स की अगर बात करें तो वो आपकी मार्केट को केटर करते हैं वो आपकी जो जेंगे आप उसकाउट हो गया ठीक है इस तरह करके ना काफी ज्यादा जो है ना अंदर डिटेल्स है आप क्या कहेंगे कि देखें जितने जिस आपने बताया बताई कि जिस था या फिर डाइनर है चारकोल है पाकिस्तानी जो मैन फैशन है या जो हमारी मेंस की स्टाइलिंग है हाउ वुड यू रेट इट कि एक पाकिस्तानी स्टाइल जो है आ, एक आम आदमी का वो ग्लोबल अगर आप परस्पेक्टिव में देखें यू बिन टू पैरिस यू बिन टू फ्रांस यू यू नो यू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर फैशन अच्छा उसके अंदर आ, आ, फैशन बेसिकली ये मैं स्पेसिफिकली मेंस वेयर की नहीं बात कर रहा ओवरऑल अगर आप बात करें तो इसी तरह फैशन जैसे मैंने पहले भी गया क्रिकल डाउन करता है ठीक है अब जो फ़ैशन इस वक्त पेरिस में या यूके के अंदर है उसको पाकिस्तान आने में टाइम लगेगा पहले ज़्यादा लगता था अब लेकिन सोशल मीडिया अवेयरनेस इतनी होगी है सारे लोग फ़ोन पे देख लेते हैं बट स्टिल फिर भी अडेप्टबिलिटी जो अभी भी मैं फील कर रहा हूँ ना एक साल बाद ही लोग यहाँ पे अडेप्ट करते हैं फॉर एग्जांपल जो फैशन अभी यूरोप में करेंटली चल रहा है ना पाकिस्तान में अभी लोग नहीं वो अडेप्ट करेंगे एक साल बाद करेंगे स्पेशली हमारे जो मेन हैं जो अगर आप मेन्स की स्पेसिफिकली बात करें तो uh, करते हैं लेकिन थोड़ा सा लेट करते हैं बट आजकल फैशन के है ना वो काफी बदल गए हैं स्पेशली आफ्टर कोविड कोविड के बाद जो है ना ओल्ड फैशन इज बैक अगेन हाँ जी जिस तरह एक फास्ट फैशन था टू थाउजेंड में आया था कि हर कोई कहता था ज़ारा इससे शॉपिंग करनी है एच एम से शॉपिंग करनी है पहनी शर्ट छ महीने पहनी अगले साल नहीं ले ली अब जो है ना अब वो चीज खत्म हो गई क्योंकि सस्टेनेबिलिटी uh, की तरफ दुनिया जा रही है तो अब ऐसे क्लोदिंग uh, का फैशन आ गया जो ड्यूरेबल हो जो देर पा चले तो अगर आप देखें भी तो ऑन अ ब्रोडक कैनवस आपको अगर आप फैशन रिसर्च करें या आप वैसे लोगों को देखें तो बहुत मिनिमल डिजाइनिंग जो है ना वो आ चुकी हुई है ज़्यादातर लोग फैब्रिकेशन के ऊपर खेलते हैं फैब्रिक सॉफ़्ट होना चाहिए कम्फर्टेबल होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट ब्लैक टी शर्ट अगर उसके ऊपर बड़ा सा ग्राफिक है तो वो मैं सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक जगह पे जाके पहन सकता हूँ बट अगर वो प्लेन है तो मैं ऑफिस भी पहन सकता हूँ कोट के नीचे जैकेट के नीचे अक्सर लोग ब्लैक टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं उधर भी पहन सकता हूँ किसी और इवेंट पर भी जाना है उधर भी पहन सकता हूँ तो वो अब प्रोडक्ट्स जो है ना वो इस तरह की बेसिक आ गई हैं सस्टेनेबल आ गई हैं जिस तरह एक ज़माने में होता था मार्क्स एंड स्पेंसर की बचपन में हमने सुना था चीज़ें होती थी आज भी हमारे घर पे वाले साहब के पुराने जमाने के बीस बीस तीस तीस साल पुराने कोट्स हैं वो आज मैं निकाल के पहन रहा होता हूँ वो सस्टेनेबल होते हैं वो ओल्ड फैशन था जो तब चलता था वो सला साल जो है ना वो लोग पहन सकते हैं तो अक्सर यानी कि आप सुनते हैं यार आ, सु, आ, हर कोई सुनता है कि ये वाल साहब ने कहा ये पेंट मैंने इतने साल पहले ली थी आज भी मैं ये पहन रहा हूँ तो लेकिन हमारा जो ये पिछला दौर गुजरा है पंद्रह साल तो वो था यानी कि फास्ट फैशन चीज ली पहनी बेची अगली ले ली तो अब चीज़ें जो है ना चेंज हो चुकी हैं अगर मैं ये जो आपने बात की अगर मैं एक कंज्यूमर या एक बायर के हिसाब से देखा तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग कि आई डोंट हैव टू यू यू नो नो कीप अप विद दैट पेस इन 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 टर्म्स ऑफ माय माय एस्थेटिक्स एंड है बट इसके अंदर मैं आपको काटूंगा फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो आपको उस पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि mm -hmm. जो फास्ट फैशन चीज़ है ना वो सस्ती बनती है फास्ट फैशन का कॉन्सेप्ट ही यहा था सस्ती चीज़ ली खरीदी तीन महीने पहनी छः महीने पहनी एक बहुत सस्ती चीज ले ली तो अब ये है कि एक दफा लो महंगी लो और उसको चलाओ पाँच छः साल तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ठीक है यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप हमें आ, चीपर चीज नहीं देंगे पायदार चीज देंगे अच्छी प्राइस पे पाए चीज़ जो कि आप लॉन्ग लास्टिंग हो आप पहनेंगे और यानी कि काफी अर्से तक पहनते रहेंगे दिस इज रियली रियली स्लो फैशन जो है वो पाकिस्तान में भी लोग अडेप्ट कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो वही जो सस्टेनेबिलिटी के एस्पेक्ट ने कंजम्पन के एस्पेक्ट में वो इट्स नॉट नॉर्मल फॉर यू नो नॉट जस्ट अ ब्रांड और अ पर्सन बट ऑल्सो यू नो फॉर फॉर द ग्लोबल बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता दे हूँ जिस तरह डेनम जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ना वेस्टेड होती है पानी की तो खैर ये नहीं तो नहीं है टेक्नोलॉजी काफ़ी अर्सा हो गया बट अब लोग काफ़ी ज़्यादा अडेप्ट इसको कर रहे हैं सस्टेनेबल डेनम की तरफ आ रहे हैं एक मशीन है जीनोलॉजिया के नाम से उसके अंदर आप डेनिम डालते हैं लेज़र से ना डेनम के ऊपर जो रिंकल्स आपको नज़र आ रहे होते हैं और जो यहाँ पे फीडिंग हुई होती है वो बना देती है वो असल में चीज़ निकलती थी हज़ारों गैलन पानी यूज़ होता था उससे फिर वो वॉश करके वो चीज़ निकालते थे तो अब दुनिया जो है न, इस तरफ जाती जा रही है अब साइकिलिंग की तरफ जा रही है ठीक है पुराने मटेरियल्स को आप रिसकल किस तरह से कर रहे हैं और ये जो इस तरह से चीज़ों को ना इनकॉपरेट किया जा रहा है अच्छा आपने बीच में एक बात की थी कि कोविड के बाद से कुछ चीजें चेंज हो गई और आपने प्रोडक्शन की बात की लोकल में क्या फर्क आया लोकल में इसके अंदर काफी फर्क आया मुझे काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिले थे कोविड से पहले जो मेरी चीजों की प्रोडक्शन होती थी काफी ज्यादा मोर देन फिफ्टी परसेंट जो मैं चीजें तैयार करता था वो मैं चाइना से लेके आता था उसके अंदर आपकी जैकेट्स हो गए स्वेटर्स हो गए शूज हो गए सॉक्स बेल्ट इस तरह तो की सारी चीजें ना मैं चाइना से लेके आता था बट कोविड के बाद एकदम से चाइना बंद हो गया हर हाँ चीज ब्लॉक हो गई तो मैंने इधर लोकल रिसोर्सेज जो है ना उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया तो वो उसके अंदर क्योंकि चाइना ब्लॉक था चीज़ें लोगों ने खरीदनी है स्वेटर लोगों ने सर्दी में पहनने हैं जैकेट लोगों ने पहननी है ठीक है डिफरेंट चीज़ें लोगों को चाहिए तो मैंने लोकल मार्केट एक्सप्लोर करनी शुरू की तो डिफरेंट वेंडर्स पाकिस्तान के अंदर ढूंढे शुरू में उनके साथ मुझे बहुत मसले मसाइल भी आए पहला सीज़न मेरा बिल्कुल यही कि फ्लैट गुजरा चीज़ें जिस तरह से मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पाए बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने इतनी इवॉल्व uh, किया चीज़ों को बेहतर किया तो अब अलहमदिल्ला तीन चार साल हो गए हैं कोविड को तो अब जो मेरी कलेक्शन आती है हंड्रेड परसेंट मेड इन पाकिस्तान होती है तो कोविड का ये एक फ़ायदा हुआ है हमें एज अ एज एकोनमी हमें यह एक फ़ायदा हुआ है तो हर चीज़ में पाकिस्तान में बनाता तो। हूँ मगर मुझे ये बताएं कि जैसे हम कुछ और इंडस्ट्रीज़ में एक चैलेंज फेस करते हैं ऑफ़ क्वालिटी एंड मीटिंग दैट क्राइटेरिया हाउ आर यू गाइज मैनेजिंग विद योर वेंडर्स एंड यू नो विद योर प्रोडक्शन कैपेसिटी के, आ, वो जो फिनेस है, कि कोर्ट, कोर्ट आ, के वो जो है एक क्वालिटी की आई डोंट नो वो आपको अगर बाहर से मिल रही थी ये वेंडर्स आप कैसे कर रहे हैं मैंने हाँ जी एग्जैक्टली exactly, वही जो मैं आपको कह रहा था ना उनको मेनटेन करना उनको फाइन ट्यून करना उसके अंदर एक सौ दो साल का टाइम लगा हमें ठीक है उसके अंदर हमने डिफरेंट चेक्स एंड बैलेंसेस बीच में रखे हुए हैं उसके अंदर टाइमिंग रखी है हाँ जी प्रोसेस डेवलप किए हुए हमारी क्वालिटी की टीम होती है ठीक है फिर हमारे रेगुलर फॉलोअप्स होते हैं जिससे हमें शुरू में कहा था ना टाइमिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारे फॉलोअप रेगुलर होते हैं हमारे मर्चेंडाइजर्स अगर हम आउटसोर्स वेंडर से काम कर रहे हैं तो हर हफ्ते चक्कर लगा रहे हैं रिपोर्ट्स बना रहे हैं यहाँ तक पहुँच गई है कटिंग हो गई है अब स्टिचिंग हो गई है तो थोड़ा सा आप उनको लूज छोड़ देना तो वो फिर लूज़ हो जाते हैं तो आपको ना बड़ी ग्रिप स्ट्रांग रखनी पड़ती है उनके साथ तो वो फिर उस तरह से हमने चीज़ों को लेके किया तो अल्हमदिल्ला रिजल्ट मिल रहे हैं हमें बट दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि अगर वो आप इंटरनली पाकिस्तान में ही आपने वो प्रोडक्शन कर ली है तो वो सप्लाई चेन के वो बड़े मसले नहीं रहे हो गए हाँ जी अब जिस तरह अब जिस तरह आज कल डॉलर इतना फ्लक्चुएट कर रहे हैं ऊपर जा रहा है नीचे आ जाता है तो वो तो यानी कि आपको काम करना इम्पॉसिबल हो गया कुछ अब जिस तरह अब अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जिसका रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगवाते हैं लेकिन प्रोडक्शन सारी यहाँ पे करते हैं उसके ऊपर भी हमारी वेंडर्स के साथ ना सेट हुआ होता है कि जिस दिन लॉक होगी प्राइस वो उसी दिन की प्राइस होगी क्योंकि डॉलर इतना फ्लक्चुएट कर रहा है तो अगर हफ्ते बाद डॉलर छः रुपये बढ़ गया है तो हम वो प्राइस नहीं बढ़ा सकते हमने टर्म्स ऐसी सेट की हुई हैं तो उसी के ऊपर फिर हम काम करते हैं फाइक मुझे ये बताएं कि आपने इतना सारा मतलब मुख्त्य ब्रांड के साथ भी काम किया और अभी भी जो आपकी हेड ऑफ़ डिज़ाइन की पोजीशन है यूर यू नो मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स तो आपको फारे टाइम मिल जाता है अपने लिए पर्सनल लाइफ के लिए हाँ जी बिल्कुल फ़ारेक टाइम तो निकालना पड़ता है फिर आपको एक फ़ैमिली लाइफ भी होती है उसको भी आपको टाइम देना होता है तो बिल्कुल निकालते हैं टाइम फारे टाइम होता है कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट दैट प्रोजेक्ट जो आप वो एक कर रहे हैं अच्छा एक प्रोजेक्ट बेसिकली ये है कि एक वेब सीरीज़ आ रही है फ़ातमा जिना के नाम से तो बहुत अच्छी उसकी टीम है बड़े अच्छे एक्टर्स हैं उसके अंदर तो उनके डायरेक्टर के साथ मेरी बातचीत हुई तो ई वॉन्टेड मी टू डिज़ाइन द व कायदे अजम सो वो जो था वो मेरे लिए न बड़ा एक ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट था क्योंकि आई ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट कायदे अजम सो अलहमदिल्ला उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो अभी हमारा एक ओएस टी भी निकला है उसका तो उसके अंदर उन्होंने जिनासा आपको रिवील किया है उसके अंदर जो उनका अटायर है वो डिज़ाइन किया है हमने खुद ही तो so, वो बड़ा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है नो दिस इवन लाइक मुझे सुन के वो इतना एक्साइटिंग लग रहा था कि वो एक इतना ज़बरदस्त उनका एक जो इमेज है एक वो जो जो भी उनका और है आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट डेंडियस पर्सन इन आवर आवर हिस्ट्री तो एंड देन यू गेट टू वर्क विद दैट आई थिंक दैट्स रियली हां जी एक्साइटिंग हां जी तो क्योंकि कायदे आजम जैसे आपने कहा ही वाज द मोस्ट क्लासिक पर्सन एट हिस टाइम एंड इवन नाउ आज तक उनको कोई भी हमारा पॉलिटिशन uh, ले फ़ॉर देट मैटर उनको कोई उस तरह से कम्पीट नहीं कर सकता जो जिस तरह की शूटिंग वो पहनते थे तो बेसिकली उनका ये था कि uh, जो मैंने सुना है वो ये है कि जब वो यूके uh, से वापस आए थे तो सेवन रो के ऊपर एक हैंनरी पूल एंड को एक टेलर है वहाँ से उन्होंने कोई तीस चालीस स्ट्रोक्स जो है वो अपने साथ लेके आए थे Yeah. Do, वो वो उसके बात तो वही तो उनका वापस जाना नहीं हुआ तो वही पहनते रहे really curious to know के, अच्छा आप आपकी क्या अप्रोच क्या है जिसना अगर आप उनकी वो एक वारोब uh, डिजाइन कर रहे हैं sort of या एरा से related, uh, styling है। तो कुछ लोग जो है उसको दे से के, अगर आप उस एरा की चीज डिजाइन कर रहे हैं तो uh, sort of, you know, यू नहीं हम कुछ अपना भी लेकर आ सकते हैं कि वो चीज तो सबने देखी हुई है बट सिंस दिस इज फिक्शन पीस दिस इज ए री इंटरप्रटेशन ऑफ दैट रियलिटी आप क्या कर मतलब सारा ना बताइएगा बट आई क्यूरियस कि आप क्या कर रहे हैं उसके अंदर ऐसे कि जब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो उसके अंदर है ना वो है फेब्रिकेशन ठीक है उस जमाने की जो फेब्रिकेशन थी वो हैंड लूम्स पे बनता था फैब्रिक अब तो खैर मशीनी काम हो गया मशीन पे फैब्रिक्स निकलते हैं तो वो वाला टेक्सचर ढूंढना वो वाले कलर्स और वो वाली जो उनके पैटर्न्स हैं वो ढूंढना एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए तो वो चीज़ें सबसे पहले उनके ऊपर वर्किंग की फिर उसके बाद जो कट्स और फिट्स क्योंकि अब फिट्स बड़ी चेंज हो गई हैं अब तो अगर स्लिम फिट आ गया है तब एक क्लासिक फिट होती थी स्लाइटली लूजर पैंट्स आपकी जो कोट है उसकी बड़ी अच्छी क्लासिक फिट होती थी अब लोग दोबारा से फैशन उसी तरफ जा रहे हैं तो बड़ी रिलेक्सड और कंफर्टेबल फैशन होता था तो वो वाली फिट पर वर्किंग की हमने क्लासिक पैंट्स प्लीटेड पैंट्स टर्न अप उसके जो आपके कफ्स होते हैं बॉटम के वो किए फिर आपस आपस में अब जैसे अब तो बहुत बिल्कुल बॉडी आगे आप, आप, आप फिट्स बनाते तब एक होता था किसिंग टेस्ट आप बोलते हैं उसको कि आपका जो ये मेन पहला बटन जो आप बंद करते हैं ना वो आप जब ट्राई दे रहे हो तो वो आपस में किस करना चाहिए अगर वो किस कर रहे हैं तो आपकी बड़ी अच्छी उसकी फिट बनेगी तो वो चीज़ें मद्देनज़र नजर रखी ताकि उसी तरह की फिट हम लेके आए तो फिट पे काफ़ी काम किया और उसके बाद जो अपना ट्विस्ट उसके अंदर हम लेके के आए वो इस तरह के एक सीन है हमारा चलिए आपको थोड़ा सा उसका बता देता तो हूँ वो एक बोल रूम पार्टी के अंदर कहते जाते तो वो मैंने काफ़ी रिसर्च की मैंने देखा नहीं उनको कभी टक्सीडो में तो उसके लिए एक टक्सीडो हम बना रहे हैं थोड़ा सा उस

टेलर्स के तो साथ ऑब्वियसली हमारी कोऑर्डिनेशन चलती है पैटर्न मेकिंग के ऊपर वो फिर हमने किया उस तरह से आप मुझे ये भी बता रहे थे कि इससे रिलेटेड कोई पर्सनल हिस्ट्री भी है आपकी इस प्रोजेक्ट से हाँ जी बिल्कुल मेरे बेसिकली जो ग्रैंड फादर हैं वो होते थे बॉम्बे में तो वहाँ से माइग्रेट हो आए थे पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद तो वो बेसिकली उनका बॉम्बे में जो वहाँ पे पोलो एक ग्राउंड था उसके ऑपोजिट उनका एक शॉप थी और पीछे उनका छोटा सा एक कान था तो वो बेसिकली लेदर का काम करते थे लेदर शूज़ बनाते थे सैडल्स वगैरह बनाते थे तो कायदे आज़म का इत्तफाक ये हुआ कि वो उनकी वो पोलो खेलने आते थे जो उनके पास आए तो उन्होंने उनके लिए ना सैडल वगैरह बना के कायदे आज़म को दी तो उनकी एफ़िलेशन होगी उनके साथ तो यू वाज आल्सो वेरी पैशनेट अबाउट टू नेशन थ्योरी और ऊपर से कायदे आज़म की जिस तरह की करिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी तो मेरे दादा अबू ने भी उनके साथ काम किया तो वो जनरल सेक्रेटरी थे से, मुस्लिम लीग के तो उसके अंदर ये कि जो उनका जो शू वो जो एक आइकॉनिक आइकॉनिकायदे अजम का शू है जो ब्लैक और वाइट कलर का है तो वो मेरे दादा अबू ने ही डिज़ाइन किया था ठीक है तो वो उन खुद भी वो वैसा ही उन्होंने बनाया अपने लिए भी और वो भी उसी तरह का पहन सी जिस तरह आप ये आ, पिक्चर ये देख रहे हैं इसके अंदर जो ज़द अजम ने जो शूज़ पहने हुए हैं और इनके साथ जो लेफ़्ट पे हैं ये अल्ला यार खान दौलताना है तेमीना दौलताना के वाले हैं और उनके जो साथ बैठे हुए मेरे दादा अबू हैं तो इनके शूज़ और जो कायदेजम के शूज़ हैं आप देख लें बिल्कुल सिमिलर है सिमिलर मैच करते हैं तो काफ़ी उनकी साथ रहा है कायदाजी छोटी छोटी उनकी स्टोरीज हैं काफ़ी जो हम वाले साहब को बताते थे फिर हमें वो बताते थे फिर एक दफ़ा जैसा फोटीन तो अगस्त पे अक्सर पुराने लोगों का एक वो चलता होता है पीटीवी पे आज भी चलता है uh -huh. पुराने जो लोग होते हैं वो पार्टीशन की बातें करते हैं तो मेरे ग्रैंडफादर का वो भी इंटरव्यू हुआ था बैर उनकी वफ़ात को तो अब काफ़ी ईर्सा हो गया नाइन्टी अर्ली नाइन्टीज़ में उनकी डेथ हो गई थी सो द इज़ कमिंग बैक टू योर फैमिली हाँ जी बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि जो तो मेरे अंदर जो ये एक डिज़ाइन की वो जो है ना वो चीज़ वो मेरे दादा अबू से ही आई है तो काफ़ी चीज़ें वो उनको बनाने का शौक़ था उन्होंने एक ट्रंक बनाया था जिस तरह आजकल ये देखते हैं हम एल का ट्रंक है ऊँची ट्रंक वो बनाते हैं तो उस ज़माने में ट्रंक जो है ना वो तब चलते थे तब वो ट्रेन पर लोग सफ़र करते थे तो बड़े बॉक्सेस होते थे उसके अंदर जो मेरे दादा ने बनाया था उसके अंदर ना शूटिंग की जगह थी ठीक है उसके अंदर शूज़ रख सकते थे उसका कंपार्टमेंट था शर्ट्स का कंपार्टमेंट था और वो उन्होंने ना पेटेंट करवाया था तो लॉर्ड माउंट से पेटेंट उन्होंने करवाया था आज भी हमारे घर पे वो आ, लगा हुआ है सर्टिफिकेट उसके ऊपर स्टैंप है लॉर्ड माउंट बैटन लॉर्ड माउंट के साइन है उसके ऊपर तो उस ट्रंक की मेरे पास सारी ड्राइंग भी पड़ी उसको मेरे प्लान फ्यूचर प्लान में है कि मैं उस थीम के ऊपर ना एक आ, Uh, एक कलेक्शन निकालूँ जिसके अंदर वो ट्रंक भी मैं फ़िज़िकली दोबारा से बनवाऊँ क्योंकि उसके स्केचेस मेरे पास पड़े हुए हैं सारे तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और उसके अलावा डिफरेंट उनकी हैंड बुक्स टी लेदर के ऊपर किस तरह से उसको टैनरीज में uh, काम करना है लेदर के ऊपर क्योंकि तो आज तो बहुत ज़माना तेज़ हो गया तब तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी तो वो काफ़ी उनके नोट्स एंड वालों रखे हुए मैं पढ़ता भी हूँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो और ये मैं बात कर रहा हूँ

वो कैसे मैनेज करते हो आप uh, उसके अंदर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, था कि टीम वर्क जो है ना वो आपको ना बहुत फ़ायदा पहुँचाता है ठीक है जब आप टीम बिल्डिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस जब आपकी टीम बिल्ड हो जाती है ना तो आपकी आप सारी चीज़ें ऑटो पे होनी शुरू हो जाती हैं ठीक है थीके? हर बंदे को पता है कि उसने क्या काम करना है जैसे मेरे साथ जो मेरी टीम है यूनिवर्स में काम कर रही है तो माशा इतने कॉम्पिटेंट लड़के हैं सारे और लड़के हैं लड़कियाँ हैं हमारी टीम में तो वो बाऊ अपना जो काम है जानती हैं उनको बस मोटिवेट करने की ज़रूरत है और वो ऑटो पे काम होते रहते हैं मेरे तो वो इतनी ज़्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं होती तो बेस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वगैरह आप कर लेता हूँ मैं वो उनको दे दी तो आगे उसकी एग्जीक्यूशन वगैरह वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से करती है टीम यानी कि सारा जो दबाव है वो एक इंसान पर नहीं होता हाँ जी बिल्कुल और होना भी शायद होना भी नहीं चाहिए होना भी नहीं चाहिए बिल्कुल अब ये डिपेंड करता है कि आपने इन्वायरमेंट अपना कैसा बनाया है कि आपके आप खुद एक जगह पे जाते हो तो आप इन्वायरमेंट खुद बनाते हो जैसे हमारा कोऑपरेट कल्चर अक्सर डिफरेंट फेजेस ऑफ डिफरेंट यानी कि इंडस्ट्री के लोगों से डिस्कशन होती है तो काफ़ी खिंचाव होता है वो मिलता है लोगों को बट हर फील्ड का ये है कि आपका जो सपॉर्टिनेंट है आप उनको इंक्रेज करें ठीक है आप उनको इंक्रेज करेंगे तो वो अपनी आउटपुट खुद देंगे तो आप उनको बॉस अराउंड बहुत ज़्यादा करने शुरू हो जाते हैं ना तो फिर वो आपका जो uh, साथ बंदा है वो अपनी इनपुट नहीं उस तरह से देता वो कहते हैं अच्छा यार भाई ये कह रहा है तो मैं कहूँ तो आप जब कॉन्फिडेंस देंगे लोगों को तो ऑटोमेटिकली फिर आपका अच्छे काम भी अच्छा होगा जब तक आप सर पर होंगे फिर ही काम होंगे जब आप नहीं हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो फिर नहीं वो डिपेंड करते हाउ मोटिवेटेड योर टीम इज़ अगर आपकी टीम मोटिवेटेड है तो वो खुद काम कर करके आपको लागे देंगे ठीक है अगर वो ये कि आप बहुत ज़्यादा पॉसि हो उनको हर वक्त आपने चाबी दी होती तो वो फिर आपका काम इसी तरह ही करेंगे वो सब नहीं करेंगे फैशन hmm. में थोड़ा सा लोग इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं कि वो बाज़त वर्किंग लाइफ में जो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है या हेक्टिक हो जाता है बिल्कुल मैंने जिस तरह आपसे शुरू में बात की टाइम लाइन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो अगर आप अपना वेल प्लान अपना सीजन पे वर्किंग करोगे स्टार्ट उसको करोगे तो आप रिजल्ट अच्छे लेंगे भाई मुझे ये बताया कि ये जो आपने सारी बात बताई इस तरह इस फास्ट पेस को आप इस तरीके से मैनेज करते लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है क्या एस्पेक्ट्स हैं कलेक्शन डिज़ाइन के जब आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हो अच्छा उसके अंदर मैं आपको एक वाइड एस्पेक्ट उसका बर्ड आई व्यू दे देता हूँ उसके अंदर इस तरह से है कि सबसे पहले हम करते हैं फैशन फोरकास्ट फोरकास्ट में हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेंड्स जो हैं वो क्या आने वाले हैं अगले साल में क्या ट्रेंड्स आएंगे तो हमारी एक प्रॉपर फोरकास्टिंग होती है फिर हमारी रिसर्च होती है ठीक है फिर कंपेटिटिव रिसर्च होती है और फिर इंटरनेशनल रिसर्च होती है कि दूसरे ब्रांड्स क्या कर रहे हैं बायर क्या हो रहा है फिर उसके बाद हम सबसे जो पहली चीज़ है ना वो हम अपनी कलर पैलेट बनाते हैं ठीक है उसके अंदर हमारा एक पूल ऑफ कलर्स होता है ठीक है उसके अंदर आपके बेसिक कलर्स सबसे पहले आ जाते हैं ठीक है फिर उसके बाद फैशन कलर्स आ जाते हैं फिर कुछ सीजनल कलर्स हम डाल देते हैं ऐसा कलर ऑफ द ईयर हर साल इंट्रोड्यूस होता है पेंटोन पेंटोन वाले पेंटोन वाले करते हैं हर साल एक कलर ऑफ द ईयर होता है तो हम भी उसका कलर ऑफ द ईयर लेके फिर उसके जो साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कलर्स उनको ऐड करते हैं तो कलर की पूरी एक स्टोरी होती है फिर कुछ अर्थी टोन्स रख ली उसके अंदर फिर कुछ पेस्टल कलर्स आ गए वो पूरा एक कलर पैलेट बनाते हैं फिर उसी पैलेट के अंदर रहते हुए फिर हमारी पूरी कलेक्शन बनती है फॉर एक्जाम्पल अगर हम एक शेड नेवी का ले रहे हैं तो वो नेवी ही आपको हर हाँ जगह नज़र आएगा वही नेवी आपको पैंट में भी नज़र आएगा एक शर्ट है जो सीज़न के शुरू में लॉन्च हुई है नेवी है तो वो भी उसमें भी वही नेवी होगा जो सीज़न के एंड में भी नेवी है तो उसमें भी वही होगा तो उसमें हमें वर्किंग में भी फ़ायदा हो जाता है और कलेक्शन भी बड़ी अच्छी आपकी स्टोर में लगती है क्योंकि ये विजुल मर्चेंडाइजिंग भी एक बुरी एक आ, आ, सब्जेक्ट है तो वो वी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको मैनेज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर एक रस्ट कलर है एक शर्ट में इधर टिपिंग रस्ट है तो दूसरी पूरी रस्ट शर्ट है पेंट के अंदर आपको रश नजर आ रहा है तो वो जब कट्ठे लगी होंगे ना तो वो एक दूसरे को कलर स्टोरी बन जाती है कॉम्प्लीमेंट कर रहे जी वो, वो बड़ा अच्छा लगता है तो सबसे पहले कलर के ऊपर हम वर्किंग करते हैं फिर हमारी रिसर्च होती है क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं फिर उसके बाद हम देखते हैं पिछले साल का सेल थ्रू देखा जाता है फिर ठीक है लास्ट ईयर जो हमारी रिटेल मर्चेंडाइजिंग मर्चेंटाइजे आप बोलते हैं कि लास्ट ईयर कौन से स्टाइल से जो बहुत अच्छे निकले थे कौन से स्टाइल से जो सेलों पे निकले थे ठीक है फिर उसको देखते हुए फिर हम अपनी पूरी कलेक्शन डिज़ाइन करते फिर उसके अंदर एक और एस्पेक्ट होता है कि आ, मैं इस तरह से करता हूँ कि एट्टी परसेंट जो मेरी कलेक्शन होती है ना वो मैं इन इन डेटा के ऊपर कर रहा होता हूँ बट ट्वेंटी परसेंट जो चंक है ना वो मैं रखता हूँ कि हाई फैशन चीज़ें लेके आते हैं जो हम में ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं और जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा बाहर चल रहे हैं बट यहाँ पर अभी आने में उनको टाइम होता है तो वो एक छोटा चंक उसका भी रखते हैं कि एक ब्रांड बिल्डिंग भी होती है ब्रांड इमेज होता है वो दिखाने के लिए तो उसके अंदर फिर हम हाई फैशन चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं तो फिर उसके अंदर डिफरेंट आपके काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं आपकी आ, डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ें आ, आ, आ जाती है फॉर एग्जांपल आपकी नेटवेयर की कलेक्शन है आपकी ओवन की है आपकी बॉटम्स के अंदर आपकी डेनम आ जाती है चीनोज आ जाती हैं फिर शलवार कमीज जैसे मैंने आपको बताया था यूनिवर्स इज़ अ कम्प्लीट वेयर ब्रांड तो शलवार कमीज़ ईद का सी आना है तो उससे पहले शलवार कमीज़ की डिज़ाइनिंग एक छः आठ महीने पहले हो रही होती है उसके अंदर कुर्ताज कितने करने हैं शलवार सूट पूरे कितने करने हैं वेस्को सूट्स कोट्स जैकेट्स लॉन्ग कोट्स यानी कि एवरीथिंग उसकी फिर हम टाइमली प्लानिंग करते हैं सारी चीज़ों की फिर फैब्रिकेशन कहाँ से हमने करनी है डिफरेंट फैब्रिकेशन यूज़ करनी है डिफरेंट कट्स यूज करने हैं एक बड़ा डिटेल प्रोसेस है फिर हम एक थीम डिसाइड करते हैं सीजनल थीम डिसाइड करते हैं जिस प्रीवियस प्रिवियस अभी जो समर सीजन चल रहा है इसकी मेरी जो थीम थी ना इट वॉज इंस्पायर्ड फ्राम फ्राम आई वी लीग कॉलेज जिस आई वी लीग कॉलेजेस होते हैं उनका एक स्पेसिफिक फैशन होता है प्रेपी प्रेपी फैशन होता है जो कि आजकल वो यंग मनी एंड ओल्ड मनी भी काफ़ी चल रहा है कि ओल्ड मनी फैशन चल रहा है तो वो उससे इंस्पायर्ड हमारी कलेक्शन थी बेसिकली अगर आप रेपी के बारे में थोड़ा दाऊ तो जिस तरह आप रेल्स लॉरें ले लें ले या एबर एंड फिट अमेरिकन ब्रांड्स हैं तो वो आर प्योरली बेस्ड ऑन रेपी कॉन्सेप्ट तो उस, उसको हमने ड्राइव करके अपने हिसाब से लोकलाइज किया उसको हमारी मार्केट के हिसाब से वो हमें उसको बनाया तो ट्रेंड जो जिस तरह से चल रहा है उसको उस तरह से हम फिर लेके चलते हैं अपने हिसाब से लेकिन जिस तरह आप मुझे ये एक ये तो मेरे लिए ना एक बहुत वो क्रैश कोर्स हो गया फैशन के कलेक्शन के लिए सारा प्रोसेस समझाया तो ये तो बहुत वो लग रहा है जैसे ना सिस्टमेटिक uh, भी है स्ट्रेटेजिक भी है यू नो यूर टचिंग ऑल दोज एस्पेक्ट्स कि आप रिसर्च uh, भी कर रहे हैं कंप्यूटर को भी पढ़ रहे हैं और यू नो मार्केट ट्रेंड एंड यू नो ग्लोबल ट्रेंड्स को भी आप चीज़ें वगैरह देख रहे हैं मेरे जिन में फिर एक ये बात आ रही है फाइक कि डू यू थिंक लाइक इन कमिंग सिंस आई फील के हमारी आपकी जो इंडस्ट्री है काफ़ी ग्रो कर चुकी है इट्स वेरी यू नो रोबस्ट रोबर्स इंटरनली ही बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अच्छी हैं डी यू थिंक इन कमिंग ईयर्स हम उस चीज़ से थोड़े से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि जो आपने शुरू में बात की थी कि हम एक साल पीछे होते हैं ग्लोबल ट्रेंड से और हम वीर वीर सॉर्ट ऑफ यू न फॉलोअर्स पोजिशन क्या एक कुछ आने वाले अरसे में आपको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल होगा कि पाकिस्तान औरिजिनेटिंग कोई अस्थेटिक पाकिस्तान औरिजिनेटिंग कोई स्टाइलिंग की सेंस हाँ जी बिल्कुल जिस तरह अब आप इसको जिस तरह से आप कह रहे हैं दो डिफरेंट चीजें एक तो बेसिकली पाकिस्तान ओरिजिनेटेड चीज़ें अगर आप बाहर लेके जाएं यानी कि यहाँ से लोग फैशन आप ये कह रहे हैं ना यहाँ से फैशन बाहर जाए कि यहाँ की कोई चीज जिस तरह देखें वही जैसे आपने डिटेल्स की बात की कर, कुछ एलिमेंट्स हैं शायद वो देर नोन टू बी फ्रेंच कुछ एलिमेंट्स हैं कि टू बी इटालियंस बट यू है

क्रिस्टन लूबिटॉन जो है अब वो अभी उसकी पिछले दिनों कलेक्शन आई थी उसने कोलापुरी और वो जो सैंडल्स होती हैं लेडीज़ की तो वो इंस्पायर्ड बाय पाकिस्तानी कल्चर था वो यहाँ से लेके गए थे फिर इसी तरह कुर्ताज़ वग़ैरह जो हैं इनका भी चलता रहता है ऑन एंड ऑफ जो है ना फ़ैशन चलता रहता है यहाँ से बाहर जाता है आ, मुझे मेरी एक फ़ैशन में, में मेरी दोस्त हैं वो बता रही थी कि ये जो बंडेला है इट्स एक्चुअली बांधनी वो भी शायद जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे तो हमारे यहाँ पर लोग फील्ड्स में जो काम करते हैं

करंटली जो ट्रेंड चल रहा है ना वो ओल्ड फ़ैशन वापस आ चुका हुआ है तो जब ओल्ड फैशन होगा तो उसके अंदर आपको आ, पेस के साथ रहने की ज़रूरत ही नहीं है जो ओल्ड फैशन है तो वो हम तो ऑलरेडी वो पहन रहे हैं तो क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक मेन फैक्टर आ गया है तो जो कपड़े हैं ना वो एक किस्म के ही होंगे फिट्स भी जो है ना वो अब रेगुलर फिट्स आ गई हैं ठीक है लोग बहुत ज़्यादा उसके नीं से बाहर निकल आए हैं रेगुलर फिट ईजी क्लोथिंग आ गई है तो हम तो ऑलरेडी मैं तो कहता हूँ कि अभी से ही हम उसके अंदर आ चुके हैं जितनी जल्दी हम पाकिस्तान में उस फास्ट फैशन से निकलेंगे और स्लो फैशन की तरफ आ जाएंगे तो हम इंटरनेशनली जो है वो उनके साथ कंप्लाइंस में आ जाएंगे थैंक यू सो मच फॉर दिस गुड न्यूज़ आई फील वेरी कम्फर्टेबल कि हम स्लो फैशन पे आ गए बिफोर वी एंड दिस आई वांट यू टू यू नो लैक्ट ऑफ गिव योर थ्री टिप्स फॉर मैन बिकॉज यू नो यूर स्पेशन स्टाइलिंग इन फैशन कि आप पाकिस्तानी मैन uh, को कोई तीन टिप्स बताएँ कि अच्छा यार अगर आप ये अडॉप्ट करेंगे तो ग्रोमिंग आपकी बेहतर हो सकती है आपके स्टैरिंग पे तेलूसन दिया अच्छा सबसे पहले उसके अंदर तो मैं ये कहूँगा कि जो फिटनेस है ना आपकी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ठीक है तो हमारे यहाँ क्योंकि डिलेमा ये है कि लोग सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं उस तरह से जिस तरह आउटडोर स्पोर्ट्स और उस तरह से अब नहीं रही जिस तरह पहले होती थी तो लोग बहुत ज़्यादा यानी कि उबीस होते जा रहे हैं तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को ना कट डाउन करें ठीक है आप कोई ना कोई एक्टिविटी जो है ना वो ज़रूर रखें अपनी लाइफ के अंदर कोई स्पोर्ट खेलें हर रोज या फिर आप कोई जिम जाएं एक्सरसाइज करें स्विमिंग करें कुछ नहीं तो आप घर के बाहर वॉक कर लेंगे मोटापा कम करें आप अब आप, आप अपने आप को फिट रखेंगे आप अच्छा भी फील करेंगे तो जब आपकी बॉडी फिट होगी तो आप महंगी सी महंगी चीज़ भी पहन लें आप अगर उ सस्ती सस्ती भी चीज़ है आपने उसी तरह अगर आपकी बॉडी अच्छी है और आपने अपने आप को मेनटेन किया हुआ तो आप जो भी कपड़े पहनेंगे ना तो वो आपको अच्छे लगेंगे तो बाकी दूसरा यंग मनी वो ओल्ड मनी और यंग मनी वाली हम बात कर रहे थे तो जो बहुत ज़्यादा फ्लैशी चीज़ें जो हैं वो मैं ये रिकमेंड करूँगा फ्लैशी बेल्ट्स एल और बूची के लोगों वाली जूते और जो पूरा शर्ट के ऊपर लिखा होता है एल वी एल वी एल वी और फैंडी फेंडी फेंडी उससे बाहर आए ठीक है अच्छे आप अच्छे फैब्रिक्स में इन्वेस्ट करें ठीक है अच्छे कट्स में इन्वेस्ट करें जो आपके पास लॉन्ग लास्टिंग रहे अच्छे सूट पीसेज में इन्वेस्ट करें दो से तीन अच्छे सूट खरीदें ठीक है जो आप डिफरेंट ओकेजन पे पहन सकते हैं डिफरेंट इवेंट्स पहन सकते हैं अच्छी उनकी फिट हो और उसको आप लेकर चलें अपने साथ इसी तरह इस शलवार कमीज में जो आपकी कन्वेंशनल शलवार कमीज़ है उसको आप पहने अच्छा और तीसरा एस्पेक्ट आप ये कि कलर्स पे uh, कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट कि आपने कलर को बैलेंस किस तरह से करना है तो हमेशा ना अगर आप तीन लेयर्स पहन रहे हैं तो कोशिश करें कि तीन डिफरेंट टोन्स रखें फॉर एग्जांपल अगर आप एक ब्लेज़र पहन रहे हैं उसके नीचे शर्ट है और नीचे पैंट है तो आ, वैसे तो लोग एक कलर के भी पहन सकते हैं जॉन विक स्टाइल सारा काला पहन लिया बट उसको जो एक आ, अच्छा कन्वेंशनल और जो बिल्कुल सेफ तरीका है कि वो अगर आपने पैंट जो है वो डार्केस्ट टोन की पहनी है तो जैकेट आप उसे मिडिल टोन की पहने और शर्ट जो है वो बिल्कुल लाइटर टोन की पहनें तो जब आप इस तरह से अपना बॉड्रोप डिजाइन करेंगे तो आप अच्छे लगेंगे थोड़ी सी डेप्थ आ जाएगी विजुअल विजुअल डेप्थ आ जाएगी ओके दिस इज अमेजिंग थैंक यू सो मच फाइक थैंक यू सो मच फॉर यू नो सच एंड यू नो सच नाइस डिस्कशन अबाउट फैशन एंड मैन स्टाइलिंग सेम है